गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आ गया और एक नया रेसिपी के साथ जिसका नाम है हरियाली पनीर टिक्का। ये एक इवनिंग स्नैक्स है। अगर आपको इवनिंग के टाइम में घर में कोई रिश्तेदार आए हैं या कोई दोस्त आए, तो अगर आपके हाथों में टाइम कम है और उनके साथ बात भी ज्यादा करना है, तो झटपट ये 10 मिनट में बना सकते हैं ये पनीर टिक्का। तो चलिए, ये पनीर टिक्का बनाने के लिए मैं क्या क्या लिया है एक बार देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं लिया है पनीर, और ये पनीर के साथ मैं ऐड करूंगी 3 ग्रीन चिली, कुछ लहसुन एंड अदरक। और इसका जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन करने के लिए मैं लिया है धनिया पत्ता, और साथ में मैं ऐड करूंगी पुदीना पत्ता। और ये आप लोगों को मैं एक बात बोल देती हूँ, कोई भी आप पनीर टिक्का बनाने के टाइम अगर आप उसको ग्रीन कलर मेंटेन करना चाहते तो उसके साथ आप लोग ऐड कीजिए कर्ड। तो मैंने लिया है कर्ड। और ये पनीर टिक्का को फ्राई करने के लिए मैं लिया है बटर, और साथ में जाएगा सॉल्ट। तो चलिए, फर्स्ट मैं ये पनीर को कट कर लेती हूँ। तो मैं ये पनीर को ऐसे छोटा छोटा पीसेस करके कट कर लिया। पनीर जितना पतला होगा उसके अंदर इसका जो कोटिंग है वो अच्छे से ऐड होगा। आप लोग देख लीजिए, आप ऐसे पतला पतला करके ये पनीर को कट कर लीजिए। अभी इसका जो ग्रेवी है उसको मैं बना लेती हूँ। तो अभी मैं ये ग्रेवी बनाने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता, साथ में ऐड करूंगी ग्रीन चिली, ऐड करूंगी लहसुन और ऐड करूंगी अदरक। और इसका मैं पहले ही बोला, आप किसी भी चीज़ों में कलर मेंटेन करने के लिए उसमें कर्ड ऐड कीजिए। तो इसका कलर मेंटेन करने के लिए मैं ऐड करी हूँ कर्ड, और ऐड करूंगे सॉल्ट। अभी इसका एक मिही पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, मेरा ये मिही पेस्ट बनके रेडी हो गया। अभी मैं इसमें इसको एक बोल में डाल लेती हूँ। अभी ये ग्रेवी में पहले से जो मैं पनीर क्यूब करके काट के रखी थी वो पनीर को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और ऊपर से ऐड करके सॉल्ट। बस ये ग्रेवी के साथ मेरा पनीर अच्छे से मिक्स हो गया। अभी मैं इसको फ्राई कर लेते हैं। अभी ये पनीर टिक्का को फ्राई करने के लिए मैं लिया है एक तवा। आप लोग चाहे तो नॉन स्टिक का कढ़ाई में भी कर सकते हैं। ऊपर से मैं ऐड कर दिया चाट मसाला, इसको थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए ऊपर से ऐड कर दिया कर्ड। तो देखिए, मेरा ये हरियाली पनीर टिक्का बन के रेडी हो गया। कितना आसानी से इसको बना सकते हैं घर में। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो घर में बना के खाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे को कमेंट करके बोलिए आपको ये रेसिपी बना के कैसा लगा है। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में वो बेल बटन क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं और कोई नया रेसिपी के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।